Recording in progress. देखिए इस अपर वाले जो आपके है ना इसको आप आइसोलेट कर दीजिए। अब आप वैसे यहां से ना रियलिस्टिक भी नहीं, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ सॉलिड भी भेज दे, ठीक है। अब आप प्लान में जाइए, वीएफ एंटर टू एंड डी वायर फ्रेम के लिए। अब आप यहाँ इंसर्ट में जाकर के यहाँ पर आता है रास्टर इमेज रहता है, तो यहाँ से भी इमेज ला सकते हैं कैड गैलरी। यहाँ क्लिक करें, इसको ड्रैग डाउन करें, या आप इमेज के अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसकी साइज आपको कहाँ पे इसको शिफ्ट करना है, मान लो मेरे को यहाँ शिफ्ट करूंगा ये इमेज रेफरेंस ले रहा हूँ बस, ओनली और कुछ नहीं है। एफेक्ट बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे क्लिक करें, एक आप रेक्टेंगल बनाए, आर इज की रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट शिफ्ट प्लस एट द रेट। ऐसे इसकी लेंथ तो जो मैं ये वाली लेंथ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 16 इंच, ठीक है। अब कॉमा लगा दीजिए, इधर ले रहा हूँ 100 से 32, ज्यादा हो जाता है 32 इंच, इससे डबल दिख रहा है, 32 इंच ले रहा हूँ इस तरीके से। अब यही चीज में रखूंगा पर इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब मैं यहां से ऑफसेट ले रहा हूँ 2 इंच का इधर, 2 का इधर, 2 का ज्यादा हो रहा है, 1 इंच का ले रहे हो, 1 का इधर से लेंगे वो एंटर, 1 एंटर, 1 का इधर से, 1 का इधर से, 1 का इधर से, इधर से 2 इंच का ऑप्शन दे दीजिए, फिर इसको ट्रिम कर दीजिए। अब ये चीज हो जाएगी। अब इसके सेंटर में आपको एक लाइन खींचनी है, तो यहां पर मिड पॉइंट ले लीजिए, यहां से यहां पर इसको ऑफसेट कर देंगे 0.5, आधा इंच, आधा इंच इधर करते हैं, आधा इंच इधर कर दें, इसको डिलीट कर दें, फिर ट्रिम कमांड लगाएं इसको और इसको। अब आप चाहेंगे डैश व्यू, डैश व्यू SW एंटर। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आप एब्स्ट्रूड कर देंगे, आई सॉरी ये पूरा है ना ड्रॉइंग हुआ नहीं है, पूरा सरफेस है, मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ डैश से, अभी ज्वाइन है इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, इसकी हाइट में ले रहा हूं यहाँ से, ज्यादा नहीं लेकर भी 12 इंच ले ही लेता हूँ, है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सक्लूड करूंगा ना, EXT एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करते टाइम इसके अंदर टेपर एंगल दूंगा, टेपर एंगल दे दीजिए 45 डिग्री दे दीजिए, ज्यादा भी दे दे तो 45 डिग्री टेपर एंगल दिया, हाइट कर दे, वो ये यहाँ पे आते ही पूरा ऐसे हो रहा है, मैं रुक रहा है हाइट ज्यादा पे जी टेपर एंगल नहीं रुक जाएगा, तो आप क्या करो टेपर एंगल चेंज कर लिया करो, टेपर एंगल में ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेपर एंगल दे रहा हूँ, कितना एंगल दे रहा है यहाँ, 1-2 इंच का दे देता हूँ, 2 इंच का दे देता हूँ, ज्यादा नहीं पड़ा। फिर इसको हाइट ले लेंगे वापस 1 फीट से 1 इंच कम लेंगे, देखना हो जाएगा 11 इंच, EXT देखो। अगर आपको ये सेम चीज चाहिए ना, तो इसमें प्रॉपर पूरा सब साइड से टेपर नहीं है, साइड दो साइड टेपर है, तो उसके लिए फिर आपको है ना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वैसा ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, वो चीज तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको प्लान में जाना पड़ेगा, प्लान नहीं सॉरी नहीं डैमेज नहीं, वो दिक्कत नहीं है, VS एंटर टू एंटर। अब इसमें क्या होगा कि इधर से टेपर हो रहा है, दो साइड से टेपर होगा बाकी नहीं होगा, इधर से दो दो साइड से टेपर कर सकते हैं, बाकी वाला सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब वो क्या करेंगे, इसमें ऑफसेट कर देंगे, हम ऑफसेट कर देता हूँ 0.55 कर रहा हूँ, चलो 0.5 को मैंने करा, यहां से मैं इस लाइन को है ना यहां से पहले इसको एक्सप्लोड करके एक्स एंटर, ई एक्स एक्सटेंड, ये बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते
और ये भी बढ़ा देंगे और ये भी बढ़ा देंगे। इसको आप डिलीट कर, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर डैश भी हो, डैश बाउंड्री कमांड होती है, वो कमांड हम यूज करेंगे। क्या हो गया? अब इसमें इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम हाइड ऑब्जेक्ट कमांड लगा देते हैं, इसको डिलीट करके अनहाइड कमांड लगाएंगे। अनहाइड से वापस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। अब आप टेस्ट और व्यू एस डब्ल्यू एंटर, ठीक है। सिर्फ इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप आइसोलेट वापस लगा दीजिए, सेड लगा देते हैं एक बार, पता चल जाएगा आपको, बताते हुए लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और सेड में क्या होगा, फिर आपको हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड वगैरह करना देखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं हाइड करूंगा तभी होगा साथ। अब इसमें देखो मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, अब ये ऑब्जेक्ट मैं उसको ऊपर कर दूंगा, पूरे ऊपर ले रहा हूँ ना 12 इंच, एक पूरा ऊपर चला गया 12 इंच, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर ले रहा हूँ, ओनली 1 इंच। अब एक हमने कमांड पढ़ी थी, बता, लॉक कमांड, LOFT, लॉक मतलब पढ़ी थी, लॉक कमांड का यूज कर लीजिए, इसको कर लीजिए यूज। जैसे देखो कि ये डेपर होगा, एंटर 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 दो बार कर दीजिए, एंटर दो बार करते आपके हो जाएगा। अब आप क्या करें कि इसको मिरर कर सकते हैं, MI कमांड लगा दीजिए आप, मिड पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एकदम सही से मिरर करना, इफेक्ट ऑन कर सकते हैं मिरर, कि उससे क्या होगा कि आपकी कोई इश्यू नहीं आए। अब अनहाइड लगा दे। अब यहां पर आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, SUV सेलेक्ट एंटर, सो सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, मैं पूरा ही करा रहा हूँ, मैं इसको अनपैक कर दूंगा सिर्फ के साथ, यहाँ पर खाली हो गया, दोनों साइड से टैपर रहेगा, बाकी वाला खाली हो जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रेसफुल कर देना उससे कम ज्यादा होगा। ओके, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि अब इसको मेटल यूज करते हैं, MAT, यहाँ पर इसे क्लिक करें, यहाँ पर ऑल्टर ड्राइविंग पे क्लिक करें, फिर आप मेटल में जाइए, यहाँ से मेटल कोई भी जो आपको सही लगे वो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे कि मैं मान लो ये वाला लगा रहा, अभी लगा तो दिया मैंने, बट इसमें दिख नहीं रहा, दिखेगा तो जब हम इसको क्या करेंगे, रियलिस्टिक व्यू करेंगे, अभी नहीं दिखेगा, रियलिस्टिक व्यू यहाँ से मैं कर देता हूँ, कोई भी यूज कर लीजिए, जरूरी नहीं है आपको भी वैसा वैसा लगाना, आप स्टील लगा लें, सिल्वर लगा लें, तो रेंडरिंग में आपको एकदम क्लियर दिखेगा, सब लगा लें दिखेगा यहाँ से, हाँ दिखेगा ना, रेंडर करेंगे तो रियलिस्टिक दिखेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से व्यू को भी आप परस्पेक्टिव कर देना बाद में, वो अब सही दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, अभी तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो कोई कलर दिख जाएंगे, कोई कलर नहीं दिखेगा, हर एक कलर नहीं दिखेगा, कुछ कुछ दिख जाते हैं फिर कुछ नहीं दिखता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जैसे मेरा सिलर लगाना है, सिलर लगा रहा हूँ, पूरा भी ब्लैक दिख रहा है, जब रेंडरिंग वगैरह आप कर दोगे ना, इसकी रेंडरिंग सेटअप रेंडर वगैरह निकालते हो तो इसमें अच्छा दिखने लगता है, जिससे मैं ये भी लगा सकता हूँ और देखिएगा ब्लैक एक बार ना, ब्राउन ले लीजिए यहाँ से, ये ले लीजिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो मेरे को क्या करना है, चलो कौन करेगा, रेंटर निकालो तो बदलेगा, ऐसे नहीं दिया, डिफॉल्ट नहीं दिखेगा, रेंटर में सब दिख जाएगा। जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ स्टेनलेस स्टील, अब इसको मैं RR एंटर करता हूँ ना, रेंडरिंग वाला कमांड यूज करता हूँ RR, तो उससे पता चल जाएगा, RR एंटर करो दिख जाएगा, जैसे सेटअप करना पड़ेगा दिख जाएगा।
लाइटिंग वगैरह हम सब देख लेंगे ना, फिर इसको सेलेक्ट करके मैं आइसोलेट लगा दूँ, फिर मैं रेंटल एनवायरनमेंट में जाऊँ, एनवायरनमेंट में जाऊँगा यहाँ से इस एनवायरनमेंट को मैं ऑन करूँगा, अभी ऑफ है, ऑन कर दूंगा तो वो दिखने लग जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा अभी। फिर यहाँ से आप शार्प लाइट दीजिए, विलेज दीजिए, रिम हाईलाइटेड लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो कोई भी ले सकते हैं आप। फिर आप उसको आर आर एंटर करोगे तो क्या हो रहा है, ये इसी जैसा बहुत कुछ सेलेक्ट करना, बॉक्स ही उठा के पहले पहले जगह करना है, इसमें से सब फिट कर देना है तो ये समझ जाएगा। क्लियर है अभी तक? मेरे तो अभी ले ले।